और सीधे आपको हम झारखंड के गुमला लिए चलते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं रैली को। पानी तक नहीं मिलता, ये भूमि ऐसी है, अगर यहां के किसानों को पानी मिल जाए, मैं विश्वास से कहता हूं ये मेरे आदिवासी किसान यहां मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, देश का पेट भर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, न पानी का इंतजाम हुआ, न यहां के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी व्यवस्था हुई, न किसान के कल्याण की व्यवस्था हुई। मैं गुजरात से आता हूं, मेरे यहां तो बहुत सारा इलाका रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है। अब भाइयों बहनों, मेरे यहां बारिश कम होती है, नदियां भी नहीं है, लेकिन हमने छोटे छोटे पानी संग्रह की योजना अभियान चलाया, चेकडैम बनाए, जल सिंचन का अभियान चलाया, पानी को संग्रह कर करके हमने वहां के जीवन को बदल दिया, किसानों के जीवन को बदल दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज हमने अपना स्थान खड़ा कर दिया, हमारे किसानों ने मेहनत की, सरकार ने पानी पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। क्या इस इलाके में भी नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर यहां के किसानों को अगर सही सुविधाएं मिले, यहां के नौजवानों को कभी पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको रोजी रोटी के लिए भगतना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये दशा क्यों हुई है? इतना कोयला होने के बाद भी, इतना लोहा होने के बाद भी ये गरीबी क्यों? इसलिए कि देश के कुछ दल के नेता, देश की कुछ सरकारें, उनके लिए खदान भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर बन गई है। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए, ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी हुई है। क्या भाइयों बहनों, जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हटना चाहिए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए, ये हमारी जो भारत विजय रैली है ना, ये भारत विजय रैली का सीधा साधा अर्थ है कि अब भारत महंगाई पर विजय चाहता है, अब भारत भ्रष्टाचार पर विजयी होना चाहता है, अब भारत बेरोजगारी पर विजयी होना चाहता है, अब भारत कुशासन पर विजयी होना चाहता है, अब भारत किसानों की दुर्दशा से विजयी होकर के किसानों को सुखी करना चाहता है, अब भारत माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का दिशा में आगे बढ़ करके एक नया विजय हासिल करना चाहता है। इसलिए हम ये भारत विजय रैली करने रहे हैं। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं भाई उपाय क्या, ये मिनरल्स, ये हमारी खनिज, ये प्राकृतिक संपदा, ये लूटी जा रही है, बड़े बड़े नेता उसमें जिम्मेवार पाए जाते हैं, उपाय क्या? क्या भ्रष्टाचार हट नहीं सकता है? भाइयों बहनों, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। नेता में दम चाहिए, नीतियों में नीति चाहिए और नियत साफ होनी चाहिए। वादे करने से बात बनती नहीं है, इरादे नेक होने चाहिए, तो भाइयों बहनों ये भ्रष्टाचार जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये दिल्ली में कोई भी खदान के काम की चर्चा हो तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अड़ंगा डाल करके बैठ जाती थी, और देश में आपने सेल टैक्स सुना है, इनकम टैक्स सुना है, भांति भांति के टैक्स सुने हैं, लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में एक जयंती टैक्स लगता था। ये जयंती टैक्स का मतलब था एनवायरमेंट क्लियरेंस करना है तो टेबल के नीचे टैक्स देना पड़ता था, और अगर टेबल के नीचे टैक्स नहीं देते तो आपकी फाइल क्लियर नहीं होती थी, और उसके कारण हिंदुस्तान की खनिज संपदा का उपयोग
हिंदुस्तान की भलाई के लिए नहीं हुआ। देश एक तरफ अंधेरे में है, दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है,